जिला एवं सेशन न्यायालय के कर्मचारियों ने सोमवार से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर सामयिक अवकाश के साथ ही हड़ताल शुरू कर दी। इससे पहले न्यायिक कर्मचारियों ने एक दिन का प्रदेशव्यापी धरना देकर सीटी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की थी, लेकिन मांगे पूरे नहीं होने पर सोमवार से कर्मचारियों ने कोर्ट के सभी कामकाज ठप कर दिए और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सेठी आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किए जाने से कर्मचारियों में रोष है। अपनी मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा भी की है। आक्रोशित कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में जमकर नारेबाजी की और मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सेठी आयोग की अनुशंसाएं एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना कराने के लिए हमने आज ये सामूहिक अवकाश लेकर के प्रदर्शन किया है और जब तक सेठी आयोग की हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इसी प्रकार अवकाश लेकर के कार्य करेंगे। आज पूरे राजस्थान में सभी न्यायालय बंद है, सब में ताले लगे हुए हैं, सभी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर है पूरे प्रांत से। आज नए कर्मचारी हड़ताल पर है, पूरा कार्य ठप हो रखा है, इनकी मांगे बिल्कुल वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश को भी स्टेट गवर्नमेंट ने दरकिनार कर दी है। अजमेर बार इनके साथ है, अगर अजमेर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन सरकार ने कुचलने की कोशिश की तो अजमेर बार भी इनके साथ आर पार लड़ाई में शामिल हो जाएगी। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इनकी मांग को जल्द जल्द माना जाए, उनके जो उचित मांग उनको माना जाए। राज्य सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरे प्रदेश की तरह अजमेर के स्टाम्प विक्रेताओं ने सोमवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। स्टाम्प विक्रेता सुरेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश महासंघ के आह्वान पर अजमेर के नीति पत्र लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं ने एक दिन हड़ताल रखकर अपना समस्त कामकाज ठप रखा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प वेंडर के स्टाम्प विक्रय की कम की गई लिमिट को बढ़ाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर अजमेर के स्टाम्प वेंडर हड़ताल पर है। पहले भी संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दो दिनों की हड़ताल रखी गई, लेकिन 8 माह गुजरने के बाद भी राज्य सरकार ने संघ की मांगों पर कोई विचार नहीं किया। हड़ताल के चलते जिला पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कार्य प्रभावित रहा, वहीं स्टाम्प नहीं मिलने से आम नागरिकों को भी परेशान होना पड़ा। इनकी लिमिट बहुत कम कर दी गई है, सरकार लगभग इस मुद्रांक विक्रेता के जो लोग हैं इन्हें समाप्त कर अपनी ई स्टैम्पिंग पर ज़्यादा आधारित हो रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा होने पर हमारे कई मुद्रांक विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे। इस नाते प्रदेश भर में लंबे समय से, पूर्व में भी हमने दो दिन बंद रखकर इसका विरोध जताया था, आज पुनः प्रदेश के आह्वान पर आज एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है।